गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबको मैं नमस्ते बोलना चाहता हूँ। आई एम कमिंग, मैं फेसबुक लाइव में बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ और मैं सोच समझ के कुछ दो या तीन चीज़ बात करना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब से हम लोग इलेक्शन जीते हैं तब से बहुत जगह से लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने सबको कहा है कि ये जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम है जहाँ मैं सबको आप निमंत्रण देकर यू ट्राइंग टू गिव फेलिसिटेशन, आप बोल रहे हैं कि यू नो हमको सम्मान देना चाहते हैं, फूल, रीसा प्रोग्राम्स, सबसे पहले फेलिसिटेशन तभी होना चाहिए जिस दिन हम अपना जो हमारा मेन गोल है ग्रेटर तिपरलैंड को अचीव करना चाहते वो हो। तो ये जो विक्ट्री है ये पॉलिटिकल विक्ट्री है, लेकिन एक मूवमेंट एक इलेक्शन के विक्ट्री से पूरा नहीं होता है। इसी के लिए आज जो दूसरे पार्टीज हैं जो इलेक्शन में लड़े हैं और वो हारे हैं, है क्योंकि वो इलेक्शन के विक्ट्री को समझते कि वही फाइनल विक्ट्री है। हमारा फाइनल विक्ट्री एक ADC इलेक्शन जीतने से नहीं होगा। आपको अगर हमको फेलिसिटेशन करना है तो प्लीज़ फेलिसिटेट अस द डे वी अचीव आ गोल ऑफ ग्रेटर तिपरलैंड। ये हमारा रियल फेलिसिटेशन होगा जिस दिन हम ग्रेटर तिपरलैंड को अचीव करें। ये तो एक इलेक्शन है, इलेक्शन में कोई जीतता है कोई हारता है कुछ मतलब नहीं बनता है। रियल विक्ट्री तब आता है जब हमारे लोगों को कुछ मिलता है। 18 लोगों को MDC बनने से कुछ नहीं होता है। रियल विक्ट्री तब आता है जब हमारे पूरे दफा को कुछ मिलता है और वो है हमारा आइडिया, हमारा गोल ऑफ ग्रेटर तिपरलैंड। तो ये पहला बात है। और कोरोना चल रहा है, आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू बी फेलिसिटेटिंग एंड हैविंग प्रोग्राम्स जहाँ में कोरोना स्प्रेड हो, क्योंकि ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। अगर कल कोरोना स्प्रेड हुआ तो सबको अफेक्ट करेगा और इसमें हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फॉर द इंटायर कम्युनिटी इन दोपहर। दूसरा पॉइंट है, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया है, आई हैव बीन वेरी बिजी। मैंने देखा है जब से हम लोग इलेक्शन जीते हैं बहुत जगह से सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह से कंप्लेंट्स भी आया है कि पंचायत में कुछ प्रॉब्लम है, विलेज काउंसिल में कुछ प्रॉब्लम है। आई हैव ऑल्सो अपील्ड दैट आप लोग वायलेंस मत कीजिए वरना मैं सस्पेंड कर दूंगा। बहुत लोगों ने बोला है कि ये CPM के लोग हैं जो तिपरामौथा में आए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि IPFT के लोग हैं जो तिपरामौथा में आए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये BJP के लोग हैं जो IPFT से लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा और इनिशियली मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों हो रहा है। तब मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम असल में है कि हम विलेज लेवल में हमारा थानचा नहीं है। हम लोग झंडे पार्टी के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं। तो आज जो काउंसिल और पंचायत लेवल में प्रॉब्लम होता है, रेगा के लिए हो किसके लिए हो, हम लोग सब जो इस झगड़ा कर रहे हैं असल में पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा के लिए कर रहे हैं। और ये बात मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि पैसा मिलेगा इसके लिए आप इस दल से दूसरे दल में, इस दल से इस झंडे से दूसरे झंडे में, आज लाल तो कभी गेरुआ तो कभी मौथा, कभी INPT तो कभी IPFT। असल में ये लोग जो गुंडे लोग जो कर रहे हैं उनको थांचा नहीं चाहिए, उनको रेगा का पैसा चाहिए और उस नाम में ये लोग वायलेंस करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि हमने थांचा को विलेज लेवल से ही तोड़ दिए। विलेज लेवल में आज मिजोरम में सिंबल लेके मिजोरम इलेक्शन नहीं लड़ता है। विलेज लेवल में नागालैंड में पार्टी का नाम लेकर कोई इलेक्शन नहीं लड़ता है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में, जो इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलर स्टेट है, वहाँ में जब पंचायत इलेक्शन होता है तो वहाँ में कांग्रेस, BJP, समाजवादी पार्टी, BSP सिंबल लेके नहीं लड़ता है। गांव चुनता है कौन सबसे ठीक है और गांव ही तब डिसाइड करता है कि कौन इसको हेड करेगा। आज त्रिपुरा में हमने क्या किया है, हमने
अपने दफा को पार्टी के नाम में बांट दिया। तो जो गलती सीपीएम ने किया, जो गलती आईपीएफटी ने किया, आज बहुत जगह में वही लोग टिपरा मौथा के नाम में वही गलती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में मैं तो चाहूँगा कि जो गांव डिसाइड करे, जो कामी डिसाइड करे कि कौन वहाँ में सबसे अच्छा हो, उसी को हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, नॉट ऑन द लाइन्स ऑफ पार्टी बट ऑन द लाइन्स ऑफ जाति। ये मेरा थिंकिंग है। अब बहुत लोग बोलेंगे कैसा पॉसिबल है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ये मेरा सोच है कि अगर रेगा, अगर काउंसिल विलेज में हमने गांव को अधिकार दिया कि आप चूज़ करो कौन सबसे अच्छा है, ये नहीं कि हमने बुबागरा को वोट किया तो हम हैं असली, या कोई बोलेगा कि मैं मानिक सरकार का हूँ, कोई बोलेगा मैं मुख्यमंत्री विप्लव जी का हूँ, कोई बोलेगा मैं पताल कन्या का हूँ, कोई बोलेगा मैं एनसी दे वर्मा को, नहीं, जो गांव को ठीक लगता है वही गांव को चूज़ करना चाहिए, रेगा किसके पास जाना चाहिए। और ये जो विलेज काउंसिल इलेक्शन है, जैसे उत्तर प्रदेश में सिंबल में नहीं लड़ा जाता है, जैसे कि मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में, हम लोग पार्टी के नाम में या झंडा के नाम में या सिंबल के नाम में नहीं लड़ते हैं, हमको भी त्रिपुरा में ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो पंचायत है और ये काउंसिल है, ये हम लोग पार्टी के नाम में नहीं, जाति के नाम में लड़े। ये होगा कि नहीं होगा, दूसरे पार्टी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अगर सब मानने के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ कि ये हम लोग रियल पावर, रियल अधिकार अपने गांव को दे और ना पूछे कि आपने हमको वोट किया इसके लिए हम आपको पावर दे रहे कि नहीं। ये मेरा सोच है। अब बहुत टिपरा के मौथा के लोग भी बोलेंगे महाराज इतना साल तक उन लोग ने हम लोग के ऊपर अत्याचार किया, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम भी वही चीज़ करें जो उसने हमारे ऊपर किया। दो गलती करने से कुछ सही नहीं होता। आज टिपरा मौथा को मैं अपने जो हमारे सपोर्टर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आने वाले हफ्ते में मैं वन मैन वन पोस्ट के लाइन में पार्टी फिर से बनाऊँगा, प्राइमरी लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक। लेकिन तब तक मेरा एक कहना है कि आप लोग घर में बैठकर सिर्फ पार्टी प्रोग्राम के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारे बहुत गांवों में बहुत तिपरासा लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि आप लोग घर घर जाए और देखें कि कितने फैमिली के पास राशन कार्ड है कि नहीं है, उनका डिटेल ले। हाँ, राशन कार्ड हमारे अंदर नहीं है, लेकिन 23 SDPOs के अंदर हम जाकर वो राशन कार्ड का, किन किन को राशन कार्ड मिला है नहीं मिला है, वो हम लोग कलेक्ट करें और वो हमें दे। हम लोग टिपरा मौथा फॉलो अप करेगा ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, कि हमारे टिपरासा को राशन कार्ड मिले। आज अगर परिवार को राशन कार्ड के अंदर 20-20 किलो चावल मिलता है तो सबको हेल्प होता है। हमारा काम मूवमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है कि किसी को पीटना, किसी को मारना। मैंने थानचा बोलकर, ग्रेटर टिपरालैंड बोलकर हम पावर में आए हैं। हमको ये बात नहीं भूलना है कि आज हम लोग पावर में हैं क्योंकि हमने लोगों को कुछ बोला है और वो विश्वास हमको पूरा करना है। मैंने CEM का पोस्ट क्यों नहीं लिया? मैंने CEM का पोस्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वन मैन वन पोस्ट हो। आज मुझसे पहले भी एक रीजनल पार्टी पावर में आया था, लेकिन जो मंत्री था वही प्रेसिडेंट था। तो गवर्नमेंट का बात करें या पार्टी की बात करें, इसके लिए मैंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पार्टी एंड गवर्नमेंट होना चाहिए। हमारा काम है कि जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो गवर्नमेंट के तरफ ले जाए एक ब्रिज बनकर। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट में भी रहना चाहते हैं और पार्टी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, वो गलत बात है। तो इसके लिए मैंने वन मैन वन पोस्ट किया। अब जो गवर्नमेंट में है वो गवर्नमेंट चलाएगा, जो पार्टी में है वो पार्टी को दिखेगा। हम इसमें कन्फ्यूजन नहीं लाना चाहते। नाउ आप लोग का अगर कोई सवाल हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि फेसबुक में बहुत लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं आज भी सबको क्लियरली बोलना चाहता हूँ,
मैं आज भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे खिलाफ कोई भी कुछ बोल दे, आप लोग भी किसी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। आज भी मैं मेवाड़ के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। आज भी मैं जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा। आज भी मैं एनसी दे वर्मा के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, जिष्णु काका के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी के खिलाफ बोलकर हमें क्या मिलेगा। पाताल कन्या को मैं आज भी बहुत प्यार करता हूँ, आज भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है वो कोई जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको आज भी बोलता हूँ कि आप एक महिला के खिलाफ ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे पूरा दोफा को शर्म होना चाहिए। हम लोग आज एक संग नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को गाली बके। आज तक मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है और फ्यूचर में भी मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली झगड़ते हैं तो फ़ायदा किसको मिलता है। आज जब पंचायत में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो फ़ायदा किसको मिलता है। आज जब कोई बोलता है कि वो CPM है और मैं त्रिपुरा मोथा हूँ, वो BJP है और मैं IPFT हूँ, तो फ़ायदा क्या, वो भी त्रिपुरा सा है, आप भी त्रिपुरा सा है। इसके लिए आने वाले दिन में हमको एक चीज़ नहीं भूलना है, हम किस लिए पावर में आए। हम पावर में इसके लिए नहीं आए क्योंकि हमारा कॉन्वॉय को 3 गाड़ी होना चाहिए। हम पावर में इसके लिए नहीं आए कि हम को आगे सामने सिक्योरिटी मिले, हम कॉन्ट्रैक्ट का राज करें। हम पावर में इसके लिए आए हैं क्योंकि हमको, हमने प्रॉमिस किया था एक परिवर्तन लाने के लिए अपने दोफा के लिए। TTEDC में भी मैंने बहुत चीज़ देखा है और आने वाले दिन में मैंने टूर भी किया है और मैंने देखा कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम मेनली इसके लिए है कि कुछ लोग, ये TTEDC बना है कुछ लोगों को अमीर बनाने के लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को अमीर बनाने के लिए और अपने पूरे कम्युनिटी को लूटने के लिए, और इसमें हमारे तिपरासा लोग भी शामिल हैं। करप्शन कोई कम्युनिटी का नहीं होता, करप्शन कोई धर्म का नहीं होता, करप्शन सिस्टम में होता है और सिस्टम को बनाता है हम लोग का ही लोग। तो मैंने देखा है TTEDC में कि अगर काम करना है तो सबसे पहले जो भी हमारे हाथ में है उसको इम्प्रूव करो, ना कि सब चीज़ का निंदा करें। हमें अच्छे ऑफिसर्स चाहिए, हमें IAS ऑफिसर्स चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, हमें वैसे लोग चाहिए जो पैसा के बारे नहीं सोचे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे नहीं सोचे, कॉन्ट्रैक्टर के बारे ना सोचे, बट स्टूडेंट्स के बारे सोचे, वीमेन के बारे सोचे, कम्युनिटी के बारे सोचे। आज हम लोग, ये TTEDC ने जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ 200 या 300 लोगों को अमीर बनाया है और 10 लाख तिपरासा को भिखारी रखा है। ये सिस्टम को हमको बदलना पड़ेगा, इसके लिए मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। आई नीड योर हेल्प। अकेला बुबागरा कुछ नहीं कर सकता है, आप मुझे हेल्प करो। आप जो मैंने आज कहा है, अगर मेरा बात आप लोग मानते हैं कि पंचायत लेवल में जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे उत्तर प्रदेश में बिना पार्टी सिंबल का हम लोग थांचा करके इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा दोफा का होगा। अगर हम लोग एक आवाज़ में करप्शन के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर राज के खिलाफ बात कर सकते हैं, तो फ़ायदा दोफा का होगा। अगर तिपरा मोथा का वर्कर नहीं सोचे कि हमको क्या पोस्ट मिलने वाला है और जाकर गांव-गांव से मालूम करे कि किसको राशन कार्ड चाहिए, तो फ़ायदा दोफा का होगा। अगर हम मालूम करें कि 100 गांव जहां में आने वाले दिन में पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको पानी कैसा पहुँचाया जाए, तो फ़ायदा दोफा का होगा। अगर हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 या 4 स्कूल को आइडेंटिफाई करें जिसको हम लोग बांग्ला मीडियम से इंग्लिश मीडियम अपग्रेड कर सके, तो शिक्षा फ़ायदा दोफा का होगा। अगर हम लोग अपने वीमेन को आइडेंटिफाई करें कि कहाँ में उनको क्या प्रॉब्लम है और सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करें जिनको आज ये सुविधा नहीं है, तो फ़ायदा दोफा का होगा। हम लोग को ये मत भूलना चाहिए कि हम लोग पावर में आए हैं, लेकिन पावर टेम्प्रेरी है, कम्युनिटी परमानेंट है।
आज मैं फाइट कर रहा हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए। आज मैं आप सबको बोल रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आई वॉन्ट टू चेंज त्रिपुरा, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव त्रिपुरा। आई एम नॉट हियर टू मेक मनी फॉर माई सेल्फ। मुझे एक रुपया नहीं चाहिए, मुझे कम्युनिटी को आगे रखना है। अगर आप मुझे हेल्प कर सकेंगे तो ये झंडा का पॉलिटिक्स को बंद कीजिए और दोहा के बारे सोचिए। इलेक्शंस ख़त्म हो चुका है, अभी काम है कम्युनिटी को देखकर आगे चलने के लिए, ना कि पार्टी ऑफिसर जलाए, किसी को धमकाए और किसी को बोले कि मैं ये पार्टी हूँ और वो पार्टी है। आप भी तिपरासा है, वो भी तिपरासा है, आपको बांटा है पार्टी ने। यूनाइट कीजिए जाति के नाम में। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो आप लोग एक संग हमारे संग आगे बढ़िए। What are your questions? Victor Sangma, you have no land documents? Well, that is again, अगर तिपरा मोथा के लोग राशन कार्ड कलेक्ट करें, अगर पट्टा नहीं है तो उसके बारे डिटेल्स कलेक्ट करें और हमें हमारे पास लाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत लोग आके बोलते कि मुझे ये पोज दो, वो पोज दो। पोज से कुछ नहीं मिलेगा। आप हमारे गांव में मालूम कीजिए किसके पास राशन कार्ड नहीं है, किसके पास APL हो, BPL कार्ड नहीं है, इसके बाद हम उनको सुविधा दे सकते हैं। किसी का और क्वेश्चन है? कनिका त्रिपुरा, यस, वीमेन्स एम्पावरमेंट कैन ओनली हैपन इफ यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग, इफ यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वीमेन। और इसी के लिए मैंने कहा है कि अगर पॉसिबल हो तो हम लोग फ्री सैनिटरी पैड्स हम लोग को थ्रू बूमा बदल, बुरोई बदल बांटना चाहिए। क्योंकि और एक बात है, वीमेंस एम्पावरमेंट हम लोग बोलते हैं और अगर मेरे खिलाफ अगर पता करने ने कुछ कहा है तो उसको आप पॉलिटिकली चैलेंज कीजिए। उसके अगेंस्ट पर्सनल कमेंट्स करके आप हमारे ही वीमेन कम्युनिटी को नीचा कर रहे हैं। ये गलत रकम का पॉलिटिक्स है। गुलाब बगान एंड मानिकी कोर्ट, देखिए गुलाब बगान और मानिकी कोर्ट में जो हुआ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें इंक्वायरी चल रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसमें कुछ कमेंट करूं। मैंने ये कहा है कि जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट निकलेगा मैं पहले उसको देखूंगा, उसके बाद कमेंट करूंगा। और हाँ, मेरे कंधे में रखकर मैं किसी के संग पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं उसमें कुछ कमेंट करूंगा। मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं गिरना चाहता हूँ। और हाँ, थंडरबर्ड देवर्मा, ADC मनी आई डोंट नो, अभी तक जो आया है, मैं ADC का जो भी फंडिंग आया है आई विल बी पुटिंग इट इन द वेबसाइट वेरी सून। कितना रुपया पेट्रोल में खर्चा हुआ MDC का 5 साल में, कितना रुपया ट्रैवलिंग में खर्चा हुआ, कितना रुपया सैलरी में खर्चा हुआ, कितना रुपये डेवलपमेंट में खर्चा हुआ, एजुकेशन में खर्चा हुआ, हेल्थ में खर्चा हुआ, आई बी पुटिंग इट अप। आप सबको जानना चाहिए। हु इज गोइंग टू रूल द पंचायत इन द ADC एरिया बिफोर ADC इलेक्शन, ये बात हम सबको बैठ के बात करना है। बट आई थिंक, मेरा ये पर्सनल व्यू है दैट हमको पहले ये पंचायत ही को, गांव को चूज करना चाहिए कि कौन सही लीडर है। कोई जाके गांव में बोलेगा कि मैं बुबागरा का आदमी हूँ, आप हमको चेयरमैन बनाओ, ये नहीं चलेगा। कोई जाके गांव में बोलेगा कि मैं मानिक सरकार का आदमी हूँ, मुझे लीडर बनाओ, ये नहीं चलेगा। कोई जाके बोलेगा मैं NC देवर्मा का आदमी हूँ, आप मुझे चेयरमैन बनाओ, ये नहीं चलेगा। गांव को चूज़ करना चाहिए कि कौन सबसे ठीक है और गाँव को पोलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। इसके लिए आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे क्योंकि पार्टी ऐसा नहीं चलता, लेकिन मैं पार्टी के बारे नहीं, मैं दोहा के बारे सोच रहा हूँ। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इज अ मूवमेंट, दैट्स वाई मैंने जाकर जीतने के बाद मैंने जाकर होम मिनिस्टर से भी बात किया। उन्होंने मुझे कहा है कि 2 तारीख के बाद जब इलेक्शन ख़त्म होगा वो हमसे बात करेंगे। मैं अपना मूवमेंट को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जकरिया BC, मैंने अभी बताया कि हाउ आई वॉन्ट टू सॉल्व द झंडा पॉलिटिक्स ऑफ त्रिपुरा।
मैंने अभी आपको समझाया, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब मैं क्या बोलूँ। झंडा पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए हमको पहले एक बात माइंड से हटाना चाहिए कि सिंबल पॉलिटिक्स को ग्राउंड से हटना चाहिए। बताइए पितौर, यस आतिशा वॉज इंसल्टेड बाय सम ऑफ माई सपोर्टर्स, आई हैव मेनी सपोर्टर्स एंड मेरा आइडियोलॉजी है कि नो वन शुड इंसल्ट एनी वन। आपको भी पितौर किसी ने इंसल्ट किया है? मैंने तो नहीं किया, मैंने तो आपको बहुत आदर से यहाँ रखा। आई अपोलोजाइज कि किसी ने आपको इंसल्ट किया तो मैं आपको से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। और आने वाले दिन में ये जो इंसल्ट का पॉलिटिक्स है ख़त्म होगा। आप भी जानते हैं कि आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। यस तपन, आवर मिशन इज ग्रेटर तिपरालैंड एंड दैट विल नॉट एंड। शांति मोहन त्रिपुरा, अगर कोई जानता है कि ढलाई डिस्ट्रिक्ट में गंडा छरा, हमारे संग यहीं में, मेरे संग मेरा ईएम है राजेश त्रिपुरा। शांति मोहन त्रिपुरा, आप राजेश त्रिपुरा से मिलिए और राजेश त्रिपुरा को आप अपना जो भी बीपीएल कार्ड है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए तो उनसे कांटेक्ट कीजिए। ये हमारा राजेश त्रिपुरा ईएम है, यंग है, कितना उम्र है आपका भी? 29 का है और ये है ईएम भी है। इसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, राशन कार्ड हो और ड्रिंकिंग वाटर हो, रोड हो, हॉस्पिटल, डॉक्टर। ठीक है, यस ली टच जमतिया, वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर स्पेशल पुलिस टू बी पुट अप। कुंजदेव वर्मा, सिंगर बिल विलेज में कैलाश शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। हमारे अंदर प्राइमरी स्कूल आता है, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वी विल ट्राई टू अपग्रेड इट। एनी लास्ट क्वेश्चंस बिफोर आई गो? थैंक यू सुरजीत मोग, थैंक यू। नो, राशन कार्ड नीड नॉट बी वेरीफाइड। ये जो लिखा है वो हम लोग का ऊपर है, हम लोग, हाँ विशु, राशन कार्ड का वेरिफिकेशन के लिए हम लोग है, हम लोग देखेंगे। बाबू तिमुंग, हेलो टू कार्बी आंगलोंग। रोहित जमतिया, ऑल आई एजुकेटेड यूथ, अगर हमने एजुकेटेड यूथ को चांस दिया तभी हम लोग का कुछ होगा। इसके लिए हम डेवलपमेंट लाना चाहते हैं और इसी के लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप भी लाना चाहते हैं। इसके जी, यू वांट न्यू रोड नियर मॉनफोर्ट स्कूल, ठीक है, आई विल लुक इनटू इट। हेलो रजनीश, आई होप यू आर रिकवरिंग, थैंक यू परितोष। हम लोग खुमुलुंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अजीत जमतिया, वी आर ट्राइंग आर बेस्ट। विक्रम दत्ता, यूनाइटिंग बंगाली इन एसटी कम्युनिटी, मैंने पहले भी कहा है विक्रम दत्ता, जो आपको चीट कर रहा है वो आप खुद का लीडर है, जो तिपरासा को भी चीट कर रहा है वो तिपरासा का खुद का लीडर है। देर इज़ नो डिसयूनिटी, प्रॉब्लम है कि हमारे लीडरशिप ही अपने लोगों को चीट कर रहा है। अगर आपको यूनिटी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। रोवेल्सन इंगटी, सुरमिला हु वॉज रेप्ड, आई हैव सपोर्टेड एंड आई वॉन्ट जस्टिस फॉर हर, I have already spoken about it in Karbi Anglong. Gopal Kothama Debarma, we cannot give you direct loan from ADC, I'll have to find out. Lekin aap batai kahan mein aapko bakery shop kholna hai and we will try to get you some help, assistance.
सुधा रंजन देव वर्मा, पुलिस पावर इन ADC वी मूव द बिल, लेकिन इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू अप्रूव इट. एनी लास्ट क्वेश्चंस, क्योंकि उसके पहले मैं जाना चाहता हूं. अमित चौधरी, आई वॉन्ट द होल ऑफ त्रिपुरा टू प्रॉस्पर, दैट्स वाई खुमुलुंग विच इज TTADC विच इज 70% ऑफ त्रिपुरा हैज टू ऑल्सो प्रॉस्पर. अगर त्रिपुरा हैज टू प्रॉस्पर, त्रिपुरा कैनॉट प्रॉस्पर विदाउट ADC बींग प्रॉस्पर, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू प्रॉस्पर द ADC एरिया. कोविड के टाइम जो भी बाहर में है, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन एज मैनी पीपल बैक, और ये हम अपने तरफ से करेंगे. गवर्नमेंट हेल्प करे या ना करे, तिपरा मोथा और मैं अपनी तरफ से, जो भी बाहर में फंसा हुआ है अगर उनको आना है तो हम अपने तरफ से हेल्प करने की फुल कोशिश करेंगे. मैं अपने पॉकेट से भी पैसा डालने वाला हूँ. रोजमेरी मेशका, एकलव्य स्कूल डज नॉट कम अंडर मी, हमारे अंदर प्राइमरी स्कूल आता है. जयंत देव वर्मा, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर सिस्टम इन त्रिपुरा, बहुत जल्दी यू विल सी दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑक्सीजन प्लांट इन खुमुलुंग. हमने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है और हम वहाँ में एक्सरे मशीन भी डालना चाह रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट रिसोर्सेज. विक्रम दत्ता, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स. आई हैव नेवर स्पोकन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, मोर स्पेसिफिकली द बंगाली कम्युनिटी. I just want to tell you one thing, don't believe in false propaganda. I want Tripura to develop, and Tripura cannot develop without TTADC not developing. Rajneesh Debarman, we are going to create camps for corona, because right now corona is there. Iske liye we do not want to spread and have gatherings, because jab tak gathering hoga corona will spread even more. कौशिक, वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दैट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. मैं तुई कर्मा में भी जाऊंगा और शिकारी बारी में भी जा रहा हूँ. बेलाइनो हम्बाई, एंड येस, इंग्लिश मीडियम स्कूल विल बी ओपन इन जमथुम विक्रमपारा. थैंक यू वेरी मच. जमथुम में अपना, आई थिंक जमथुम में कौन है, धीरेन है ना? हाँ, आई विल टॉक टू हिम. थैंक यू. संध्या रंगखोल, रोड इन तुई माई रंग, ठीक है, मैं इसको देखने वाला हूँ. आई विल लुक इन टू इट. यस, थैंक यू. आई डोंट नीड एनी सिक्योरिटी. इफ द त्रिपुरासा पीपल लव मी देन, एंड द त्रिपुरी पीपल ऑफ त्रिपुरा लव मी, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए. आपका प्यार ही सबसे अच्छा है. जिसको सिक्योरिटी चाहिए उसने ज़िंदगी में कुछ गलत किया होगा, इसके लिए इसके पास इतना सिक्योरिटी है. हेलो हमारी, होप एवरीथिंग इज ऑल वेल इन कैनेडा. थैंक यू जूलियस सांगमा. बेलाइनो हम भाई, थैंक यू.